नाउ टॉकिंग ऑफ रेप्टाइल्स, देखिए क्लास रेप्टाइल्स ऑफ कॉर्डेट्स क्या इसके फीचर्स हैं, ऐसे ही आप अगर दिमाग में एक एग्जांपल रखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। का दे आर क्रिपिंग, क्रिपिंग यानी जो क्रॉल करते हैं, जो चलते हैं, जो रेंगते हैं, एंड बरोइंग यानी कि ये रेंगते हैं और कहीं पर खोद के ये अंदर रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड मतलब जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। वर्टिब्रेट्स बियरिंग एपिडर्मल स्केल, ये ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनकी एपिडर्मस यानी कि स्किन के ऊपर स्केल्स लाइनिंग्स हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन वार्मर पार्ट्स, गर्म इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, और ये ज़्यादातर ज़मीन पर रहते हैं। तो यहाँ से आपको पता लगा ये क्रीपिंग और बरोइंग टाइप के हैं, कोल्ड ब्लडेड नेचर है, इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं और ये गर्म टेम्परेचर पसंद करते हैं और ज़मीन के ऊपर रहते हैं। स्किन इनकी ड्राइड है, ठीक है, सूखी है, रफ है और कोई ग्लैंड इनके ऊपर नहीं है और स्केल प्रेजेंट है। अब आप कंपेयर करके देखिए, आप दिमाग में एक एग्जांपल ले लो रेप्टाइल्स का, जैसे कि लिजर्ड है। लिजर्ड आपने देखा होगा गर्मियों में ही निकलती है, राइट, और आपने देखा होगा कि उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स भी होते हैं, लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। स्नेक एंड लिजर्ड, ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जो डेवलपमेंट के टाइम में अपनी स्किन को शेड करते हैं, जिसको मोल्टिंग भी कहते हैं, अपनी स्किन शेड करते हैं बार बार। ये हमेशा लंग्स से ही रेस्पिरेट करते हैं। अगर हम स्नेक को छोड़ दें तो बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनमें लिम्ब्स होते हैं, दो लिम्ब्स होते हैं, दो यानी हाथ लगा लो या पैर लगा लो, दो लिम्ब्स होते हैं जो पेंटाडेक्टाइल होते हैं, यानी कि दोनों में पाँच पाँच उंगलियाँ होती हैं, ठीक है, फाइव डिजिट्स बियरिंग क्लॉज, यानी कि पांच उंगलियों वाले दो लिम्ब्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं, हर्ट थ्री चैम्बर होता है, बट एक क्रोकोडाइल है जिसमें फोर चैम्बर हर्ट है। आरबीसी में न्यूक्लियस है, हमारे अंदर आरबीसी में आपको पता होगा कि न्यूक्लियस नहीं होता, इनके आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है। 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स इनकी है, इनके ईयर के तीन हिस्से हैं, एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल। देखिए इनमें एक्सटर्नल ईयर भी आ गया है। स्नेक्स के ईयर्स नहीं होते। टॉर्टोइज जो है वो वेजिटेशन पे खाता है, मतलब ग्रीन चीज़ें खाता है, हर्बीवोर है। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो ओमनीवोर या इंसेक्टिवोर होते हैं। इनका जो एक्सक्रीट करने के लिए मटेरियल है वो क्लोइका से ही एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल को। जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं, मेल फीमेल सेपरेट हैं, और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर रखते हैं और एग ले करते हैं, और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि लार्वा स्टेज इनके अलग नहीं होती। टर्टल, टॉर्टोइज, लीजर्ड, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। सो एम्फीबियन के बीच में और रेप्टाइल के बीच में हम डिफरेंस करते हैं। देखिए एम्फीबियंस जो थे वो आपके लैंड पर और वाटर में दोनों जगह रहते हैं, उनको दोनों चीज़ चाहिए, जबकि रेप्टाइल आपके सिर्फ लैंड पर रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके एम्फीबियंस थे उनका सभी का जो हर्ट था वो थ्री चैम्बर था, जबकि इनका जो हर्ट है वो थ्री चैम्बर है पर क्रोकोडाइल का फोर चैम्बर है। एम्फीबियंस की स्किन जो है वो मॉइस्ट थी क्योंकि उनके स्किन पर ग्लैंड्स थे। इनके स्किन बिल्कुल ड्राई है, रफ है, उनके स्किन के ऊपर कोई स्केल्स नहीं थे जबकि इनके स्किन के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें टू पेयर लिम्ब्स थे, इनमें आपका जो टू इनमें भी तो आपके टू पेयर लिम्ब्स हैं, पेंटाडेक्टाइल हैं। फिर रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स थे जैसे गिल्स हैं, लंग्स है, स्किन है, जबकि इनके अंदर रेस्पिरेशन हमेशा सिर्फ लंग्स के थ्रू ही हो रहा है। उनमें इंटरनल और मिडल ईयर था, जबकि रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट है, आपको बताया। इनमें 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स थे, इनमें 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स हैं। उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनमें इंटरनल होता है। उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थी, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो ये कुछ आपके डिफरेंसेस हैं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बीच में। तो आप एग्जाम्पल्स इनके डिफरेंसेस लर्न कीजिए, ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे।